नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर गोज यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ द स्पीड अक्वायर्ड इन टाइम टी इज़ वी पावर डिलीवर टू द पार्टिकल ये हमें बताना है क्या होएगी और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं तो किसी भी टाइम टी में अगर हम पावर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि पावर पी इज इक्वल टू एम पावर पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी और इस एफ को हम लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन सो दिस विल बी इक्वल टू एम ए मल्टीप्लाइड बाई वी या डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका है ना यहाँ पर अगर हम इस ए को लिखें वी uh, टी uh, की टर्म में हमें रिलेशन बताना है पावर और टाइम के बीच में तो अगर हम यहाँ इसको ए को लिखें सो पावर पी विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाय डी टी इंटू वी डी वी और वी वाली टर्म एक साथ ले आएँ सो so अपना ये हो जाएगा वी uh, मल्टीप्लाइड multiplied by dv इज equal to p बाय m multiplied by dt. अब इसको दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें सो so ये सांप का साइन लगा के इंटीग्रेट कर दें सो दिस विल बी वी स्क्वायर बाय टू विल बी इक्वल टू पी बाय एम टी यहाँ पर हम एज्यूम करें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है टाइम टी पे uh, सारी वैल्यू देख रहे हैं सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि जो अपनी पावर की वैल्यू आई या पी अगर इस पी को देखेंगे हमें रिलेशन बताना है पी पावर डिलीवर टू द पार्टिकल कितनी होगी वी के टर्म में बाकी सब चीज़ें इधर ले आते हैं सो पावर पी विल बी इक्वल टू वन बाय टू वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाय टी सो दिस विल बी द राइट आंसर बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर